नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु। सो आज जो हम सूत्र लेने जा रहे हैं वो मज्जिमा निकाय 111 है, 111, वन बाय वन या एक के बाद एक। 13 जून 2022 जेठवन। तो अभी ये जो सूत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आपका ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी अवस्थाएं आपको अनुभव हो सकती है उसके बारे में ये दिया गया है। और ये जो सूत्र है इसके अंदर जितना डिटेल में दिया गया है शायद ही कोई दूसरे सूत्र में दिया गया है हर एक अवस्था के बारे में। और इस अवस्था से आपको इसका वर्णन से ये भी पता चलता है कि कुछ प्रकार के जो मेडिटेशन है वो सही है और कुछ प्रकार के मेडिटेशन वो गलत है। जहाँ पे भी आपका जो कोई भी चीज़ के अंदर ध्यान के अंदर आपका पूरी तरह आप तल्लीन हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता है और आपका मन एक ही जगह पे ठहरा रहता है और जरा भी हिलता नहीं है और वहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता और वो आप उस अवस्था से बाहर आते हैं तो वो उस टाइप का जो मेडिटेशन है उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता। उसके अंदर आपको बहुत अच्छा फीलिंग आता है और आपका जो मन है बहुत ही एकाग्र होता है तो आप कुछ करना चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस मन से। मगर उसके अंदर आपको क्या आपका मन में किस तरह घटित हो रहा है वो पता नहीं चलता और उससे आपका ज्ञान जो है आपका बढ़ता नहीं है। तो ये जो हम बुद्ध का मेडिटेशन जो बुद्ध सिखाते हैं वो ऐसा मेडिटेशन है जिसके अंदर आपके मन में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो सारिपुत्ता जो थे बहुत ही जो है चालाक जो स्टूडेंट थे बुद्ध के और वो हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे। जब कौंडिन्या ने उनको दो लाइनें बताई तो एक ही लाइन के अंदर उनका वो सोतापन्ना में प्राप्त हुए। जैसे उन्होंने बताया कि हर एक चीज़ जिसका जो उत्पादित होता है जो शुरुआत होती है उसका अंत बुद्ध ने बताया। तो जो जस्ट वो बताने के ऊपर हर एक चीज़ का जो उत्पाद होता है तो वो समझ गया कि उसका अंत ही है, हर चीज़ का अंत है। तो वो इतना जो है वो शार्प थे तो उसके बारे में थोड़ा वो बुद्ध भी बताते हैं। तो एक ऐसा मैंने सुना है एक वर्षावास पर भगवान अनाथपिंडिका के उद्यान जेठवन की बगीचे में सावती में रह रहे थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया, भिक्षु भदंत। उन्होंने जवाब दिया, भगवान ने ये कहा, भिक्षु सारिपुत्ता बुद्धिमान है, सारिपुत्ता के पास महान ज्ञान है, सारिपुत्ता के पास व्यापक ज्ञान है। व्यापक मीन्स बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान है। सारिपुत्ता में हर्षित ज्ञान है, मीन्स उसका जो जो भी हम लोग विट कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपको जो आपको कोई चीज़ ऐसा बता सके कि आपको मीन्स मुस्कुराहट भी आए मगर आपको समझ भी आ जाए, तो ऐसा ज्ञान उसको विट कहते हैं। सारिपुत्ता के पास तीव्र ज्ञान है। तीव्र ज्ञान का क्या मतलब है, क्विक। सो कोई भी चीज़ जो है वो फटाक से आपको जवाब दे सकते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारिपुत्ता में गहरी बुद्धि है, सारिपुत्ता में भेदक ज्ञान है। भेदक मीन्स कोई भी चीज़ का अंत तक पहुँचना, और बोलते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ हम आपको बताएंगे तो आपके इसके जो अंदर क्या छुपा है उसके बारे में भी वो पता कर सकते हैं। सारिपुत्ता में भेदक ज्ञान है। आधे महीने के दौरान, सो ये जो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया वो आधे महीने तक उन्होंने किया। जब बुद्ध से मिले तो 15 दिन जो है उन्होंने इसका जो है अभ्यास किया, जो बुद्ध का जो टीचिंग था उसका अभ्यास 15 दिन तक उन्होंने किया। जब उनके साथ में मोगलाना थे उन्होंने सिर्फ 7 दिन के अंदर वो अरहंत हो गए, मगर सारिपुत्ता को
15 दिन लगे। क्यों लगे? क्योंकि वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से वो परखने के लिए वो करते थे। तो हर एक चीज़ जो हो रही है उसको बराबर से वो देखते थे। आधे महीने के दौरान भिक्खु सारिपुत्ता ने अंतदृष्टि प्राप्त की, एक एक करके बताते हैं जैसे वे घटित हुए। अब सारिपुत्ता की एक एक करके गहरी समझ इस प्रकार थी। तो अभी बता रहे हैं हर एक जो जो घटित हुआ उनके बारे में। यहाँ भिक्खु कामुक सुखों से दूर, कामुक सुखों का मतलब है जो भी आपने अटैचमेंट होते हैं, जो भी आपका आसक्ति होती है, चिपका हो रहता है, तो वो कहाँ से होती है? आपके आँख से है, कान से है, नाक से है, जीभ से, शरीर से, या मन का जो विचारों से, वो सारे सुखों से दूर। वो कैसे होता है? हम लोग आँख बंद कर लेते हैं तो हम देखते नहीं हैं, हम किसी आवाज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, हम किसी गंध पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग कुछ खा नहीं रहे तो हमारे में स्वाद नहीं रहता है, और हम एक जगह पे बैठे रहते हैं तो हमारा स्पर्श सबसे कम रहता है, और हमारी सोचों को हम क्या करते हैं, एक जगह पे रखते हैं। कोई जैसे हम लोग मेत्ता सिखा रहे हैं आपको, तो मेत्ता पे रखते हैं, आपके कल्याण मित्र पे रखते हैं, और सोच अगर चली जाए तो फिर आप सही प्रयास से वापस लेके आते हैं। तो उस तरह से वो जो है कामुक सुखों से, अवासनाओं से दूर थे। सारिपुत्ता ने पहले जाना में प्रवेश किया और पहले जाना में निवास किया। तो पहले उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद में निवास किया। जाना क्या होता है? जाना हमारे बनते विमल रमसी हमारे गुरु क्या कहते हैं कि जाना का मान इतना है, जानना कि ये चीज़ आपने जानी है, तो वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जानना जो है, जाना जो है, उनको इतना ही कह सकते हैं कि जिसमें आपने ये जाना, तो आप ये वो लेवल आपका कितना जितना जानना होता है उतना उस हिसाब से आप उस जाना में है। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप अंग्रेजी में कहते हैं उसे। सो वो जो है पहले जाना में उन्होंने प्रवेश किया और उसमें निवास किया। जो एकांत से पैदा हुई आनंद और खुशी के साथ, मींस जब आप एकांत में रहते हैं तो उससे एक आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उसके साथ में उसका वो भावना उनके साथ में थी जब वो जाना में थे। आरंभिक सोच और निरंतर सोच की जांच के साथ, अभी क्या है कि आरंभिक और सोच का दो तरीका का रहता है। जैसे आपको पहले एक ख्याल आता है, एक आपको ख्याल आता है, कोई सोच आती है, फिर उसके बाद में आप उसको कंटिन्यू सोचते रहते हैं। तो सोच का जो है दो भागों में विभाजन किया गया है। एक सोच है जो आप इनिशियल थॉट बोलते हैं, इनिशियल मीन्स आरंभिक जब आता है अवस्था जो, तो आपको कोई एक आता है कि ये गर्मी है, तो उसके बाद में अरे इतनी गर्मी क्यों है, अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई, ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, जो भी ख्याल है वो जो आएगा उसको क्या करते हैं, निरंतर विचार कहते हैं, जो वो निरंतर चलते रहते हैं। और आरंभ एक विचार से होता है और निरंतर, तो वो इनिशियल थॉट है और उसके बाद में उसको सस्टेन्ड थॉट, इस तरह से भी नाम दिया जाता है। सो अलग अलग जो इसका ट्रांसलेटर है अलग अलग तरीके से उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये हमारे बंते जी ने किया है, इनिशियल थॉट एंड सस्टेन्ड थॉट। तो उस तरह से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सोच चल रही है, क्योंकि ये जैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में आपको और जानकारी आपको मिलेगी। और पहले जाना में वे अवस्थाएं सोच, जांच, आनंद, खुशी और मन का एकीकरण, एकीकरण जो मन का है यहाँ पे भी है, पहले जाना में भी है, मगर अलग अलग स्थितियों पे है। संपर्क, भावना, धारणा, इच्छा और चेतना, उत्साह, निर्णय का मतलब क्या है कि वॉल्यूशन, आप ये निर्णय ले सकते हैं। जैसे आपका मन भटकता है तो आप ये देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, तो ये निर्णय के आपकी स्थिति है, वॉल्यूशन। तो ये पहले जाने में आपको रहती है। ऊर्जा, संचेतन,
समता और ध्यान, इन अवस्थाओं को उन्होंने उनके द्वारा एक एक करके परिभाषित किया गया। उन्हें ज्ञात था कि वे अवस्थाएं उत्पन्न हुई है, तो उनको पता था कि ये अवस्थाएं अभी आई है। ज्ञात थे कि वे मौजूद है, मीन्स वो अभी है, मीन्स पहले तो उनको पता चला कि वो आई, उसके बाद पता चला कि ये है, अभी है। ज्ञात थे वे गायब हो गई, तो उनको ये भी पता था कि गायब हो गया। तो हर एक अवस्थाएं क्या है, ना होते हुए वो आती है, आने के बाद में रहती है और रहने के बाद वो चली जाती है। तो उन्होंने ये दो चीज़ों का वर्णन है इसके अंदर, ये है अनाथा, क्योंकि वो उन्होंने बुलाया नहीं, वो अपने आप ही आई, अपने आप ही रही, अपने आप ही गई। और अनिच्छा, क्योंकि वो हर एक जो स्थिति है वो हमेशा नहीं रही, वो आके चली गई, गायब हो जाते हैं। तो वास्तव में यह अवस्थाएं नहीं थी और उत्पन्न हुई, होने के बाद वे गायब हो जाते हैं। उन अवस्थाओं के संबंध में उन्होंने अनाकर्षक, मीन्स उसके साथ में उसको चिपकाव नहीं, अनाकर्षक, अप्रतिबंधित, मीन्स वो कोई लिमिटेशंस नहीं दिए, अप्रतिबंधित, स्वतंत्र, मीन्स वो फ्री, अंत अनासक्त, मीन्स उसके अंदर भी कोई चिपकाव नहीं है, मुक्त, अलग, मन के अवरोधों से मुक्त होकर पालन किया। मन के अवरोध क्या है, जो पांच निवारणा है वो मन के अवरोध है। उसके अंदर क्या, पहले तो आपका आ जाता है कोई भी चिपकाव, आपका कोई भी सेंस डोर से जो है, आँख से, नाक से, कान, जीभ, शरीर या मन से, वो चीज़ों का चिपकाव, आपको कोई चीज़ों का घृणा, ये मुझे पसंद नहीं है, वो दूसरा आ जाता है। फिर तीसरा कौन सा है, आपका जो है स्लॉथ एंड टॉर्पर, नींद आना, आलस आना, वो तीसरा है। चौथा कौन सा है, आपका ये विचलित हो जाना, या कोई आपका ख्याल आना, ऐसा मैंने क्यों किया था, वैसा मैंने क्यों किया था, तो वो जो आपका जो है रिमोर्स जो बोलते हैं वो। और उसके बाद में है डाउट, डाउट का मतलब है शंका, शंका किस तरह की शंका, कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं शिक्षा कर रहा हूँ तो मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सही प्रयास कर रहा हूँ तो बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ तो बराबर, तो वो सारी शंका है। तो ये सारी जो है अवरोध हो जाती है, आप वो शंका करने लगते हैं तो फिर आप मेडिटेशन तब नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों से वो मुक्त होते हैं। सो अवरोधों से मुक्त होकर पालन किया, वह समझ गए इससे परे एक मुक्ति है, और उस मुक्ति की साधना के साथ उन्होंने पुष्ट की कि वह है। वो बोले कि अभी ये मैं जो यहाँ पे प्रथम जाना में हूँ, तो अभी इससे आगे भी कुछ है। तो उनको कैसे पता चला ऐसा आगे क्या कैसा है, जब वो दूसरे जाना में प्रवेश किया तब उनको पता चला सही है, इससे आगे भी कुछ है। फिर से भिक्खु निरंतर विचार के शांत के साथ, तो जो आपका अभी जो है निरंतर जो विचार होता है वो शांत हो गया, मगर जो इनिशियल थॉट है आपको जो वो अभी अभी होता है। दूसरे जाना में जो निरंतर विचार है वो शांत हो जाते हैं, मगर जो इनिशियल थॉट है आप ये अभी रहता है अभी जो सेकंड जाना में। तो अभी आप ये शांत हो गया अपना निरंतर विचार। सारिपुत्ता ने दूसरे जाना में प्रवेश किया और निवास किया, जिसमें आत्मविश्वास और मन की शांति है, बिना निरंतर विचार के साथ है, एकाग्र से पैदा हुई आनंद और खुशी के साथ। तो एकाग्रता भी यहाँ पे भी है। तो एकाग्रता के अंदर किस तरह से है कि चार चरणों का एकाग्रता रहता है। जैसे आप अगर एक पैर पे खड़े हैं तो आप खड़े रह सकते हैं, मगर ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या है, हो गया आपका पहले जाने में एकाग्रता हो गई। फिर आप क्या कर सकते हैं, दो पैरों पे खड़े रह सकते हैं। इस तरह से दो पैरों पे खड़े रहेंगे तो क्या हो गया, ये आपका दो पैरों का हो गया सेकेंड जाना में। तीन पैरों के अंदर आप जो तीसरे जाना में तीन पैरों का रहता है वहाँ पर रहता है, तो भी उसको टॉपल किया जा सकता है।
मगर जब आप चौथे जाना में पहुंचते तो चार पैरों का आपको एकाग्रता रहती है, तो वो उससे आप जो है टॉपल नहीं होता है, तो आपका जो एकाग्रता है हर एक के अंदर रहती है। और जो उपेक्षा जो बोलते हैं वो इक्वानिमिटी में हर एक स्टेज में रहती है और उस तरह से आगे बढ़ती है, एक पैर वाला, दूसरा पैर वाला, तीसरे और चौथे पैर वाला, तो उस तरह उपेक्षा भी आपको बढ़ती है। और दूसरे जाना में अवस्थाएं सोच, जांच, आनंद, खुशी और मन का एकीकरण, संपर्क, भावना, धारणा, इच्छा और चेतना, उत्साह, निर्णय, ये जो अभी बता रहा हूँ ये सब सबके अंदर सेम रहेगा। उत्साह, निर्णय, ऊर्जा, सचेतन, समता और ध्यान, इन अवस्थाओं को उन्होंने उनके द्वारा एक एक करके परिभाषित किया गया था। उनके ज्ञान था वह कि वे अवस्थाएं उत्पन्न हुई थी, ज्ञात थे कि वे मौजूद थे, ज्ञात वे गायब हो गए, उन्होंने इस प्रकार समझा। तो वास्तव में यह अवस्थाएं नहीं थी और उत्पन्न हुई, होने के बाद वह गायब हो जाते हैं। उन अवस्थाओं के संबंध में उन्होंने अनाकर्षक, अप्रतिबंधित, स्वतंत्र, अनासक्त, मुक्त, अलग, मन के अवरोधों से मुक्त होकर पालन किया। वह समझ गए इससे परे एक मुक्ति है और उस मुक्ति की साधना के साथ उन्होंने पुष्टि की कि वह है। सो उन्होंने समझ गए कि अभी दूसरे जाना के परे भी कोई अवस्था है, जो मुक्ति है, जो ज्ञान है, वो मैं पा सकता हूँ। तो उनको कब समझा कि आप पा सकते हैं, कब समझा उनको कि वो एक्चुअल में पा सकते हैं इससे भी आगे, जब वो तीसरे जाना में प्रवेश किया। तो आपकी अवस्थाएं भी जो है आप तभी समझ सकते हैं जब आप वो अवस्थाओं में आप जाएंगे, तभी वो अवस्था आप समझ सकते हैं। उसके बारे में वर्णन करने से आपको समझ में नहीं आएगा, जब वो अवस्थाओं में आप जाएंगे खुद तभी आपको वो समझ में आएगा। और वो अवस्थाओं में कब जाएंगे, जब आप हमारा जो दिया गया इंस्ट्रक्शन जो है या बुद्ध का इंस्ट्रक्शन आप समझें, वो जो बुद्ध का इंस्ट्रक्शन है वो अगर आप फॉलो करेंगे तभी ऐप हो पाएगा। ओके, सो अगर आप रोज जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा आप करेंगे तो फिर आप आगे अवस्थाओं का आपको अनुभव होगा और उस अनुभव से आपको पता चलेगा कि ये अनुभवें होती है। फिर से भिक्षु आनंद के लुप्त होने के साथ सारिपुत्ता ने एकाग्र के साथ और पूरी तरह से जागरूक अभी भी अपने शरीर से शरीर के साथ खुशी महसूस करते हुए, अभी क्या है आनंद और खुशी के अंदर फर्क क्या है? अगर आप आनंद भी आपको अच्छा लगता है, खुशी भी आपको अच्छी लगती है, तो आनंद क्या है? जिस तरह से आनंद, खुशी और जो ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं नेक्स्ट स्टेज का, वो चीज़ों के अंदर क्या रहता है? जितना आपके शरीर के अंदर तरंगे रहती हैं उतना ज़्यादा वो जो है उसको रफ बोलते हैं, रफ स्थिति रहती है। रफ क्या बोलेंगे हिंदी में? स्थूल स्थिति, उतनी स्थूल स्थिति है। और फिर जितना जितना जो अपने संवेदना, जितनी जो संवेदना जो है वो कम रहती है, वो सूक्ष्म स्थिति है। तो सूक्ष्म स्थिति में आनंद ज़्यादा है और वो आपका शरीर के अंदर जो फीलिंग ऑफ कंफर्टेबल जो लगता है वो चीज़ ज़्यादा है। जितना जितना आपको एक्साइटमेंट कम रहेगा उतना वो अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे आनंद बताया गया है उसको खुशी, तो आनंद का जो है वो जो छोड़ देते हैं तीसरे जाना में जाने पे, मगर वहाँ पे तो भी आपके शरीर के अंदर से आपको खुशी का एहसास होता है, आपको कम्फर्टेबल लगता है शरीर के अंदर, आपको शरीर के अंदर अच्छा लगता है, मगर वो जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट चले जाता है। जो पहले पहले आपको खुशी का एहसास होता है तब एक एक्साइटमेंट रहता है, वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे वो चले जाता है और वो तीसरे जाना में आपको जो है सिर्फ एक कंफर्टेबलनेस रहता है, जो खुशी है। तीसरे जाना में प्रवेश किया और निवास किया,
जिसके कारण महान लोग घोषणा करते हैं वह एक सुख में रहने वाला है जो संतुलन रखता है और एकाग्र है। सो इसको एक प्रेजेंट अबाइडिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट अबाइडिंग मीन्स सुख में रहने का निवास। तो ये जो अवस्था है उसके अंदर क्या है कि संतुलन है और एकाग्रता, दोनों का अच्छा मिश्रण है। तो जब कोई ये तीसरे चाना में रहता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ सूत्रों में बताया गया है कि जो सारिपुत्ता है और दूसरे जो भिक्खु थे वो पूरा दिन जाना में बिताते थे। तो कुछ एक दिन आनंद आते हैं सारिपुत्ता से, पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो बोले मैं पूरा दिन पहले जाना में बिताया। और दूसरे दिन आते हैं बोलते हैं मैंने पूरा दिन दूसरे जाना में बिताया। फिर आते तो बोलते मैंने पूरा दिन तीसरे जाना में बिताया। फिर बोलते हैं कि मैंने पूरा दिन चौथे जाना में बिताया। तो उस तरह से आप पूरा दिन जो है जाना का अवस्था में रह सकते हैं। जब आपका अभ्यास जो है अच्छा होता है तो आप योग कर सकते हैं। आपको अभ्यास अच्छा कैसे होगा, जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे वैसे वैसे कोई सीखेंगे। अगर कोई आप नया चीज़ सीखते हैं जैसे साइकिल सीखते हैं तो पहले आप लड़खड़ाते हैं, फिर क्या है कि आप चल सकते हैं मगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर आप क्या करते हैं हैंडल बार छोड़ देते हैं और चलाते हैं। तो उस तरह से आप अलग अलग अवस्था, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो है बढ़ते जाएगा, आपको समझ बढ़ते जाएगी। और तीसरे जाना में अवस्थाएं संतुलन, खुशी, चेतना, पूर्व जानकार जागरूकता, पूर्ण जानकार जागरूकता और मन का एकीकरण, संपर्क, भावना, धारणा, इच्छा और चेतना, उत्साह और वो सारे जो लाइन से आपको बताए गए थे। तो फिर से वो जानते हैं कि ये जो स्थितियां हैं उसी हिसाब से यहाँ पे भी तीसरे जाने में आते हैं, तीसरे जाने से भी आगे कोई स्थिति है। फिर से भिक्खुओं सुख और दुख के त्याग के साथ, तो अभी क्या होता है कि वो सुख भी जो है ना उसका त्याग हो जाता है और जो है अभी खुशी और दुख के पिछले गायब होने के साथ सारिपुत्ता ने चौथे जाना में प्रवेश किया और निवास किया जिसमें ना तो सुख ना तो दुख है और संतुलन के कारण मन की पवित्रता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उपेक्षा की स्थिति में पहुँचे। उपेक्षा की स्थिति में ना ही सुख रहता है ना ही दुख रहता है, तो आप आपका कहीं पे भी चिपकाव नहीं रहता है, मन का संतुलन बहुत अच्छा रहता है। तो मन क्या है बहुत स्थिर रहता है। तो अभी इस तरह भाग रहा है मन, उस तरह ही नहीं भागता है, वो स्थिर रहता है। अगर मन गया तो भी थोड़ा ऐसा जाएगा वापस आ जाएगा। अगर ये इस स्थिति में पहुंचते तो सिर्फ आप रिलैक्स करेंगे तो आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपका मन में कोई आया है वो चले जाएगा और वापस आप आ सकते हैं उसको आपके ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे। तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी और सूक्ष्म स्थिति है जहाँ पे आपका अनुभव होता है। अगर हमारे बंते जी का अगर आप माने हमारे जो रिट्रीट होते हैं उसके अंदर 80% लोग उस स्थिति पर तक पहुँचते हैं। तो आप ये स्थिति का अगर आपने बराबर अभ्यास किया तो ये स्थिति का अनुभव आप इसी मेडिटेशन रिट्रीट में आप कर सकते हैं। तो आपको इसका अभ्यास करते रहिए तो आपको ये भी स्थिति का आपको अनुभव होगा। और चौथे जाना में अवस्थाएं संतुलन, ना सुखद ना दुखद भावना, शांति के कारण मानसिक संतुलन, मन की शुद्धता और मन की एकता, संपर्क, भावना, धारणा, वही सारी चीज़ें, इच्छा और चेतना, उत्साह, निर्णय, ऊर्जा, सचेतन, समता और ये सारी धारणाएं वो उन्होंने देखा कि वो नहीं थी, वो आई और चली गई, अपने आप ही आई, अपने आप ही रही, अपने आप ही गई। और उन्होंने सोचा कि इससे आगे भी है और उन्होंने वो ये प्राप्त की। फिर से भिक्षु रूप की धारणाओं के पूर्ण। सो अभी क्या है आपके जो शरीर का जो अनुभव है, अभी तक चौथे जाना तक आपको शरीर का अनुभव होता है,
अभी जो रूप के जाना के मीन्स जो रूप है आपका शरीर है रूप है उसके अनुभव होता है। अभी आप जिस स्थितियों में जा रहे हैं वो अरूप का स्थिति है जहाँ पे शरीर का आपको अनुभव नहीं होगा, ये सारी मानसिक स्थितियाँ हैं। इसमें अगर आपको दर्द भी होता है पेन भी होता है तो वो मेडिटेशन पेन ही है, आप समझिए कि फिजिकल पेन नहीं है। ओके, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि ये सारा जो आपका शरीर है वो शरीर नहीं रहता है और सिर्फ ये मन के धारणाएं रहती हैं, तो वो अरूप की स्थितियाँ हैं। तो रूप की धारणाओं के पूर्ण उत्थान के साथ संवेदी प्रभाव की धारणाओं के गायब होने के साथ में संवेदनाओं नहीं रहती हैं। विविधता की धारणाओं पर ध्यान ना देने के साथ, विविधता की भावना क्या है, मीन्स दूसरे अलग अलग चीज़ों का देखना, विविधताओं में आप नहीं देखते, आपका मन एकाग्र रहता है। जानते हैं कि अनंत अंतरिक्ष अनंत है, तो इसको इन्फिनेट स्पेस भी कहा जाता है। अंतरिक्ष जो है वो अनंत है, वो आपको समझ में आता है। सारिपुत्ता ने अनंत अंतरिक्ष के धारा पे प्रवेश किया और निवास किया अनंत अंतरिक्ष में। तो वो जो अरूपा का पहला जो स्टेट है वो है अनंत अंतरिक्ष। कुछ लोग इसे पांचवा जाना बोलते हैं, मगर हमारे बनते जो विमल रम से वो इसको पसंद नहीं करते वो नाम को। वो उनका कहना है कि ये चौथे जाना का अरूप का पहला स्थिति है, मीन्स ये जो स्थिति है ये अरूप जाना का पहला स्थिति है और इसके अंदर चार स्थितियां और आती हैं चौथे जाना के अंदर। तो ये एक पहला स्थिति है जो है अनंत अंतरिक्ष। आपको ध्यान देना है यहाँ पे, हम जो बोल रहे हैं इधर उधर आपको सोचना नहीं है। और अनंत अंतरिक्ष के ये सुनने पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं रहेगी, आपको ये क्लैरिफाई होगी अगर आप ये सुनेंगे भी। आपको लगता है ये बहुत पहले फ्यूचर की बातें हैं, अभी क्या बोल के फ़ायदा है ये सब, अबे हमें तो ये अभी अभी भी चिंता सताई हुई है, हमारा मन अभी भी शांत नहीं हो रहा है, तो ये सब सोच के क्या फ़ायदा। मगर ये सब जानने से अगर सुनने से भी आपका जो मन के अंदर है ना, आपको कुछ ना कुछ जो है जानकारियाँ मिलती हैं और कोई चीज़ें जो आप ने शब्दों में सोची भी नहीं है उसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन मिलता है। तो आपको ये सुनना चाहिए क्योंकि ये बुद्ध के वचन है, ये मेरे वचन तो नहीं है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये सब, ये जो भी है ये बुद्ध के वचन है, हम सुना रहे हैं। तो आपको इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको जानकारी जो दी जा रही है, ये जानकारी जो है वो आपको कभी ना कभी काम लगेगी, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। और अनंत अंतरिक्ष के आधार में अवस्थाएं, अनंत अंतरिक्ष के आधार की धारणा और मन का एकीकरण, संपर्क, भावना, धारणा, इच्छा और चेतना, उत्साह, निर्णय, ऊर्जा, सचेतन, समता और ध्यान, इन अवस्थाओं को उन्होंने द्वारा एक एक करके परिभाषित किया गया था। उन्हें ज्ञात था कि वे अवस्थाएं उत्पन्न हुई है थी, ज्ञात थे कि वे मौजूद थे, ज्ञात वे गायब हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार समझा तो वास्तव में यह अवस्थाएं नहीं थी और उत्पन्न हुई होने के बाद वह गायब हो जाते हैं। उन अवस्थाओं के संबंध में उन्होंने अनाकर्षक, अप्रतिबंधित, स्वतंत्र, अनासक्त, मुक्त, पथक, मन के अवरोधों से मुक्त होकर पालन किया, वह समझ गए इससे परे एक मुक्ति है और उस मुक्ति की साधना के साथ उन्होंने पुष्टि की कि वह है। सो अभी इसके अंदर भी हमने पूरा इसलिए पढ़ा कि जैसे रूप जाना में चारों सारे अवस्थाएं हैं, वैसे ही अरूप जाना में भी सारे अवस्थाएं जो हमने अभी बताई वो सारी अवस्थाएं हैं। तो आपका जो चेतन रहता है,
आप उस अवस्था में चेतन रहते हैं और आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है और आप जान सकते हैं कि क्या आया क्या गया, वो सारी चीज़ें अरूपा जाना में भी आपको पॉसिबल है। ओके, ये सारा जानकारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर से भिक्षु अनंत अंतरिक्ष के आधार को पूरी तरह से पार करके यह जानते हुए कि चेतना अनंत है, सारिपुत्ता ने अनंत चेतना में प्रवेश किया और निवास किया। चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस। ओके, तो कॉन्शियसनेस भी इन्फिनिट है, वो भी अनंत है, जैसे अंतरिक्ष अनंत है। आपको तो पता है कि आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कि आपको ऐसे उन लोगों ने प्रोग्राम बना के रखे हैं कि आप अंतरिक्ष में दूर दूर तक जा सकते हैं, आप अर्थ से चालू कर सकते हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं, और वो अंतरिक्ष जाते ही जाता है और हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो हमारा ब्रह्मांड ही जो हमारा मिल्की वे कहते हैं, जिसके अंदर लाखों और करोड़ों ये हैं तारे हैं, लाखों करोड़ों तारे हमारे ही ये इसके अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर मिल्की वे में, वो एक डॉट जैसा दिखता है। तो पृथ्वी का तो क्या कहना है, तो वो जो है वो आकाश कितना बड़ा है वो आपको ये बताया, आप देख भी सकते हैं। तो वो अंत वो क्या है, अनंत है, कहीं उसका कोई अंत नहीं है और वो उसका अनुभव भी किया जा सकता है। फिर आपका क्या आता है कि जो आपका कॉन्शियसनेस है वो भी अनंत है, वो कॉन्शियसनेस भी इन्फिनिट है, वो आपका आपको जैसे अनंत आकाश के अंदर ऐसे फैलाव का आपको अनुभव होगा, कैसा फैल रहा है, मगर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस में आपको ये पूरी तरह से आपको सूक्ष्मता का आपको एहसास देगा, आपको सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें दिखेंगी, जैसे आपके आँख है, अगर आँख के अंदर ऐसे फ्लिकरिंग होगा तो मीन्स आपके आँख का जो ये है कॉन्शियसनेस है वो आता है और जाता है, उतना आप देख सकते हैं। ये अगर ये साउंड देखिए, ये जो साउंड है वो 100,000 बार आपका जो चेतनाएं उठी है और समाप्त हुई है, उठी है समाप्त हुए, ये इतना साउंड के टाइम के अंदर। तो ये जो आपने एक साउंड की तरह सुना है वो 100,000 चेतनाओं का एक समूह है, गुच्छा है जो आपने सुना है। और जब ये स्थिति में पहुंचते हैं तो आप उसका जो है उठना और बैठना देख सकते हैं, पूरा 100,000 समय तो नहीं देख सकते हैं, मगर थोड़ा आप देख सकते हैं कि ऐसा जैसे कभी कभी आपको कुछ सुनाई देगा मगर वो रुक 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 के आ रहा है इस तरह से, या कुछ दिखाई देगा ऐसा 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 ब्लैंक हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अनंत जो है आपका चेतना है वो का आपको अनुभव हो रहा है कि आँख को चेतना वो मीन्स नहीं थी, आई और चली गई, उस तरह का अनुभव आपको होता है। तो उसके अंदर ये जो है अनाथा का जो बोध है बहुत अच्छी तरह से होता है, और फिर ये इसके अंदर अनिच्छा का भी बोध होता है कि हर एक चीज़ अनित्य है, क्योंकि ये शरीर का भी जो अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो सारा जो शरीर बना हुआ है किससे बना है, एटम से बना हुआ है, और एटम किससे बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब से, और वो सब किससे बना है, उसका भी कुछ 100 तरीके के चीज़ें हैं उससे बना है, वो किससे बना है, वो बोलते हैं प्लैंकटन है, वो लोग उसको देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, मगर उसका व्याख्यान कर सकते हैं, वो लोग बोलते हैं प्लैंकटन से बना है। वो प्लैंकटन क्या होता है, हर एक जब वो लोग उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो पता चलता है कि वो जाता है और वापस आता है, जाता है और वापस आता है, उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वो लोगों का जो कैलकुलेशन है और जो बुद्ध बताते हैं उसका बहुत ही मैच करता है, वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा क्योंकि ये लोगों ने साइंटिफिक मेथड से किया है और बुद्ध ने कुछ उपमाएँ दे के बात की है। तो उस तरह से आपका जो चेतना आना और जाना आपको इस स्थिति के अंदर आपको पता चलेगा, तो ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। और अनंत चेतना के आधार में अवस्थाएं, अनंत चेतना के आधार का बोध और मन का एकीकरण, संपर्क, भावना, धारणा, इच्छा और चेतना, उत्साह, तो ये सारा लिस्ट फिर से आपको ये यहाँ पे भी मौजूद है। और फिर से भिक्षु अनंत चेतना के आधार को पार पूरी तरह से पार करते यह जानते हुए कि कुछ भी नहीं है,
सारिपुत्ता ने प्रवेश किया और शून्यता के आधार में निवास किया, उसको अंग्रेजी में नथिंगनेस बोलते हैं। तो अंग्रेजी में उसको मीन्स हिंदी में या संस्कृत में उसको शून्यता बोलते हैं। भाई शून्यता जो है बहुत ही जो है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें शून्यता के बारे में कहा जाता है, मगर ऐसा है कि शून्यता ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे शून्यता का वो जो आपका चेतना है उतना तो आपको है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ है शून्यता के अंदर वो भी बताते हैं। जैसे शून्यता के बारे में एक सूत्ता में बताया गया है, मीन्स बुद्ध ने बताया है कि जैसे आप गांव में हैं, ओके, गांव में आप हैं तो सारे गांव के बाज़ार का आवाज़ है, शोरगुल है, कोई बेच रहा है, कोई तो कोई चिल्ला रहा है, तो ये सारे शोरगुल है। तो जब अगर आप समझो ये जेठवन में आ जाते हैं, तो जेठवन में गांव का आवाज़ नहीं है, यवतमाल के आवाज़ नहीं है, तो आप ये अभी कौन से स्थिति में है, यवतमाल के आवाज़ के शून्यता की स्थिति में है। यवतमाल का आवाज़ का क्या है, शून्य है। अभी यहाँ पे यवतमाल का आवाज़ आ रहा है कभी नहीं, तो यहाँ पे क्या क्या आवाज़ है, यहाँ पे जो लोग है इसका आवाज़ है, पंखे का आवाज़ है, जो मोटर चल रही है, गाड़ी चल रही है, उसका आवाज़ है। मगर समझो पीछे आप जंगल में चले गए, तो जंगल में चले जाएंगे तो ये सारे आवाज़ हो रहेंगे, तो आप जंगल में किस आवाज़ से शून्य हैं, ये सारे आवाज़ से शून्य हैं। पंखे का आवाज़ नहीं आएगा, गाड़ी का आवाज़ नहीं आएगा, जंगल में आप दूर चले गए तो वहाँ पे जंगल में क्या आवाज़ रहेगा, पंछियों का, जानवरों का, वो कोई भी मोर है, वो सारा उसका आवाज़ ये जंगल में रहेगा। मगर समझो आप वो अवस्था से आप बैठते हैं और मेडिटेशन में जाते हैं और आप ऐसे एक 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 जाना करके आप पहुंचते हैं और आप पहुंचते हैं ये इसके अंदर शून्यता के अंदर। तो अभी पहले क्या होगा, पहले जाना के अंदर आपको पांच चीज़ें हैं, आपका सोच है जो आरंभिक सोच है और जो चलने वाला सोच है, फिर दूसरे जाना में फिर आरंभिक सोच है मगर चलने वाला सोच नहीं है तो आप उससे शून्य है, फिर उस तरह से तीसरे जाना में जाएगा तो ये दोनों भी आपका शून्य हो जाता है, फिर चौथे जाना में जाएंगे तो आपका जो सुख है और पीड़ा है उससे दूर हो जाते हैं, वो शून्य हो जाता है, फिर आगे जाएंगे तो आपको ये सिर्फ आपको अनंत आकाश है और बाकी का शून्य है, फिर आप अनंत इसमें जाते हैं, चेतना में जाते हैं, फिर आप शून्यता में जाते हैं। शून्यता में जाते हैं तो शून्यता तो है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। शून्यता का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आपका शून्यता का भाव तो है। तो ये शून्यता का जो स्थिति है बहुत ही उसके अंदर उपेक्षा का भावना रहता है। जैसे हम लोग सिखाते हैं अभी ब्रह्म विहार हम बोलते हैं, तो आपको मेत्ता करने के लिए बोलते हैं, तो जैसे जैसे आप मेत्ता करेंगे आप चौथे जाना तक मेत्ता में पहुँचेंगे। जब पहले अरूपा जाना में पहुँचेंगे तो आपका जो मेत्ता है वो करुणा में बदलता है, ओके, कंपैशन। फिर दूसरा अगर आप अरूपा जाना में जाएंगे तो आपको मुदिता में बदलता है, जैसे इन्फिनेट कॉन्शियसनेस का बात किया, वहाँ पे मुदिता रहती है, वहाँ पे सिंपैथेटिक जॉय बोलते हैं, तो वो सिंपैथेटिक जॉय रहता है। फिर उससे आगे जाएंगे तो अभी शून्यता में, शून्यता में उपेक्षा रहता है। ये जो उपेक्षा की स्थिति है, जो चौथे जाना से भी ज़्यादा उपेक्षा की स्थिति, यहाँ पे और शांति से आप रह सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता है, तो यहाँ पे आपको शून्य लगता है, मगर तभी भी वहाँ पे कुछ मन की एक्टिविटी रहती है, आप रिलैक्स करके उसे जाने दे सकते हैं, कुछ एक्टिविटी रहती है और उस एक्टिविटी के अंदर आपका चेतना रहती है। ये आपको समझ में आएगा जब ये बताएंगे। और शून्यता के आधार में स्थित अवस्थाएँ, शून्यता के आधार की आधार आधारणा और मन का एकीकरण, संपर्क, भावना, धारणा, इच्छा और चेतना, उत्साह, निर्णय, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें भी है जब आप शून्यता के स्थिति पे हैं। वो कौन सा हो गया, तीसरा अरूपा का स्थिति हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हैं, उनको पता चलता है कि इससे आगे भी एक कोई स्थिति है, मगर इसके अंदर आपको बराबर से अभी सुनना है कि क्या बोल रहे हैं। ओके, अभी तक तो हमने सुना उन्होंने जिस तरह से वर्णन किया, तो ये वर्णन कितना बार सुना आपने, 7 बार। ओके,
अभी आप सुनिए वो वर्णन किस तरह करते हैं, तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। फिर भिक्षु शून्यता के आधार के पूरी तरह से पार करने सारिपुत्ता ने अनुभवित और ना ही गैर अनुभवित में प्रवेश किया। तो इसके अंदर ये है, ये जो है ना अनुभव ना गैर अनुभव, इसका मतलब क्या है कि कॉन्शियसनेस नॉर नॉट कॉन्शियसनेस। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते आप ये अनुभव कर रहे हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि ये अनुभव नहीं कर रहे हैं। अनुभव ना करने का स्थिति क्या होता है? मूर्छा की स्थिति। मूर्छा की स्थिति में आपको कुछ पता चलता है क्या है? तो ये मूर्छा की स्थिति नहीं है, मगर जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। तो वो क्या स्थिति है? अनुभव करने की स्थिति है। तो ये अनुभव करने की स्थिति भी नहीं है और ना अनुभव करने की स्थिति भी नहीं है। तो ये जो है बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। तो यहाँ पे दो चीज नहीं है, क्या है वो बताया नहीं गया है। दो चीज नहीं है बताई गई, मीन्स आप ये मीन्स आप मूर्छित नहीं है या आप सचेत भी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते मैं सब सचेत हूँ, ये भी नहीं कह सकते, और या आप नहीं कह सकते कि मैं मूर्छित हूँ। तो ये स्थिति जो है बहुत ही सूक्ष्म है। अभी इसके बारे में क्या कहते हैं बराबर से आप सुनिए। वह उस उपलब्धि से वापस होकर जाना। सो अभी क्या कैसे चालू हुआ? वह उस उपलब्धि से वापस होकर जाना। तो अभी क्या हुआ? वो कहते हैं कि वो अभी ये स्थिति से वापस आने के बाद में उन्होंने जाना। ऐसा करने के बाद उसने उन अवस्थाओं पर विचार किया जो बीत चुके थे, समाप्त हो गए थे, बदल गए। उन्होंने इस प्रकार समझा तो वास्तव में ये अवस्थाएं नहीं थी और उत्पत्ति हुई होने के बाद वह गायब हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ? वो जो है नीदर परसेप्शन और नॉन परसेप्शन, संज्ञा नेव संज्ञा, वो स्थिति से बाहर आए और उसके बाद में उसका वर्णन किया। उन्होंने क्या देखा उसके बाद में उन्होंने पीछे सोचा क्या हुआ था। तो अगर ये स्थिति में है तो आपको 5-10 मिनट मेडिटेशन के बाद में सोचना चाहिए क्या हुआ, और वहाँ पे आपको उसको शिक्षार करना चाहिए या आपको रिलैक्स करके उसे जाने देना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति उन्होंने बाद में सोचा और उन्होंने देखा कि ये स्थिति थी, तब जब वो स्थिति में थे तब वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, उसके बारे में सोच नहीं सकते थे। जो पहले की स्थितियाँ बताई गई हैं वो स्थितियों का वो स्थितियाँ नहीं है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है। आप ये कह नहीं सकते कि आप चेतन हैं, आप ये भी नहीं कह सकते आप अचेतन हैं। तो कभी कभी जो साधक रहते हैं बोलते हैं कि जैसे मैं सो गया था ऐसा लगा मुझे, बीच बीच में मुझे नींद आ रही थी, मगर मुझे आलस जैसा कुछ नहीं हुआ, बगासा या बोलते हैं ना हम लोग उपमा वो लेते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और मेरा जो मेरा अलर्टनेस था, बहुत ही अलर्ट था मैं। तो ये हम समझते हैं कि आप ये जो है ये स्थिति में जा रहे हैं। तो कभी कभी आपका मूर्छा जैसा लगता है, कभी कभी आपको वापस आया ऐसा लगता है मूर्छा से। तो ये स्थिति जो है बहुत ही सूक्ष्म स्थिति में रहते हैं। तो इससे आगे भी एक अवस्था है उन्होंने सोचा। अभी ये जो जाना का जो है यहाँ पे समाप्त होता है। जाना जो है चार जो है रूप जाना है, और चार जो है चौथे जाने का चार अरूप रूप है। तो ये चार अरूप रूप भी हो गए, तो उन्होंने बोला कि इससे भी परे कुछ है। और ये यही जो शब्द है बुद्ध ने भी कहा जब वो अलारा कलामा और उदग रामपुत्र के पास में थे। जो जब उदग रामपुत्र के पास में थे, उन्होंने उदग जो है राम जो है थे वो फादर थे उदग के, उदग रामपुत्र जो है थे वो शून्यता को प्राप्त हुए थे, मगर उनके पास में ये साहित्य था कि ना संज्ञा ना नेवसंज्ञा, ना संज्ञा ना नेवसंज्ञा, जो बोलते हैं नीदर परसेप्शन नॉन नॉन परसेप्शन, वो स्थिति के बारे में उनके पास में साहित्य था। तो वो साहित्य उनको पढ़ाते हैं बुद्ध को, और वो बुद्ध वहाँ पे उसका जो है सीख के वहाँ तक पहुँचते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बोलते बोलते कि तुम मेरे पिता के समान हो, क्योंकि मेरे पिता इस स्थिति में रहते थे,
और अब तुम मेरे गुरु की तरह रहो यहाँ पे। मगर बुद्ध को भी पता था कि इसके आगे भी एक चीज़ है, क्योंकि बुद्ध ने पहले चेक करते थे अपने आप को कि उनके पास में ये कोई चिपकाव तो नहीं है। तो ये स्थिति में आने के बाद में वो अपने पुत्र के बारे में सोचते थे, अपने जो वाइफ के बारे में सोचते थे, अपने राज्य के बारे में सोचते थे। जब उनको ये सोचते थे तब उनके पास में चिपकाव का एहसास होता था, उनको दुख का एहसास होता था, उनके बारे में जो है आसक्ति थी उनको पता चलता था। तो फिर उनको उनको पता चलता कि अभी तक मेरा मन पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसा स्थिति है कि आदमी समझ सकता है कि मैं जो है अरहंत हो चुका हूँ, ऐसा जो है क्या भ्रम हो सकता है। तो ऐसा एक ब्राह्मण था, वो इस स्थिति के अंदर रहता था और वो उसको ऐसा भ्रम था कि मैं तो अभी अरहंत हो चुका हूँ। तो उसका एक हितेशी जो है देव था, उसका जो क्या बोलते हैं कि रिलेटिव, उसका रिश्तेदार था जो एक देव था। तो उसको समझ में आया कि इसके मन में ऐसा हो रहा है कि ये समझ रहा है कि ये तो अभी अरहंत हो चुका है, मगर ये अरहंत हुआ नहीं है। तो वो जाके उसको बोलता है कि तुमको ये गलत फहमी है, तुम अभी जो है दुनिया में बुद्ध आ चुके हैं, तुम्हारा तुम जाके उससे मिलो। और वो 90 साल से ऊपर का था उसकी उम्र। तो वो कहता है कि अभी बुद्ध कहाँ है, तो बोलता है कि ये फलान ठिका में बुद्ध है। तो उसको बुद्ध को मिलने जाता है, बहुत ट्रैवल करता है और बुद्ध को मिलने जाता है, और बुद्ध को बोलता है कि मुझे आप कुछ तो एक दो शब्द बताओ इससे निकलने के लिए। तो बुद्ध बोलते हैं मैं अभी पिंडपात में हूँ, अभी मैं तुमको नहीं सिखा सकता। मगर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो तीसरी बार इंसिस्ट किया तो उन्होंने दो लाइनें बुद्ध ने उनको कही। तो वो अभी इतना एडवांस मेडिटेशन में वो था कि वो दो लाइनें सुन के ही वो उसका जो है वहाँ पे वो अरहंत हो गया। और थोड़ी देर के बाद में जो वापस वो चलने लगा, वो कोई बैल ने उसको सींग मारा और उनका मृत्यु हो गई। तो सारे जो भिक्खु उनके साथ में थे, बुद्ध ने पूछा, बुद्ध ने कहा कि ये मुझे तंग नहीं किया है गलत सवालों से, और ये बहुत ही ये चालाक था, तो अभी ये इसका अभी ये हो गया, अरहंत हो गया था, और उसको अभी कहीं पे उसका फिर से पूर्ण जन्म नहीं है। तो इस तरह से जो ये स्थिति है बहुत ही सूक्ष्म है, और बहुत जगह पे लोग इसे ऐसा मान लेते हैं कि ये अरहंत की स्थिति है, मगर ये नहीं है, इसके परे भी स्थिति है। उनको पता चला कि ऐसा है, वह उस प्राप्ति से समा वापस हो गए। ऐसा करने के बाद उसने उन अवस्थाओं को याद किया जो बीत चुके थे, समाप्त हो गए थे और बदल गए थे। इस प्रकार तो वास्तव में ये अवस्थाएं नहीं थी और उत्पत्र हुई होने के बाद वह गायब हो जाते हैं। उन अवस्थाओं के संबंध में उन्होंने अनाकर्षक, अप्रतिबंधित, स्वतंत्र, अनासक्त, मुक्त, असंबुद्ध, बाधाओं से मुक्त मन के साथ पालन किया। वह समझ गए इससे आगे कोई मुक्ति नहीं है, और उस मुक्ति के प्राप्ति पर उन्होंने पुष्ट की कि वह नहीं है। तो अभी क्या हुआ, ये क्या किया, जब कब हुआ ये, जब उनको निरोधा समापत्ति का अनुभव हुआ तो वो वापस आए। तो जब निरोधा समापत्ति होती है तो आपको पता नहीं चलता कि आपको होने वाली है, ये अवस्था आने वाली है। जब ये घट रही है आपको पता नहीं चलता है, जब वो घट चुकी है आपको पता नहीं चलता है, जब वो आप वापस आते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपका निरोधा समापत्ति का ये हो गया है एक जो स्थिति है। और ये जो निरोधा समापत्ति है इससे आपका जो है चिपकाव है वो पूरी तरह से टूटता है, आपको पूरी तरह से ज्ञान होता है कि क्या सत्य है। तो हमारे जो बंते जी है, बंते विमल राम सिंह, वो कहते हैं कि पहले बार अगर ऐसा अनुभव हुआ तो आपको सोतापन्ना का मार्ग मिलता है, ओके। फिर दूसरी बार अनुभव हुआ तो सोतापन्ना का फल मिलता है, तीसरी बार इसका अनुभव हुआ तो आपको सकदागामी का मार्ग मिलता है, और चौथी बार हुआ तो सकदागामी का फल मिलता है।
पांचवी बार हुआ तो अनागामी का मार्ग मिलता है और छठी बार हुआ तो अनागामी का फल मिलता है, सातवीं बार हुआ तो अरहंत का मार्ग मिलता है और आठवीं बार हुआ तो अरहंत का फल मिलता है। तो इस तरह से आपको जो जब ये अवस्थाएँ जो है वो सारी चीज़ें समझाई गई हैं। भिक्षुओं, अगर यह किसी के बारे में कहा जा सकता है उन्होंने महान गुणों में महारत और पूर्णता प्राप्त की है, महान प्रज्ञा में महारत प्राप्त की है, महान ज्ञान में निपुणता और पूर्णता प्राप्त की है, महान उद्यार में निपुणता और पूर्णता प्राप्त की है, वास्तव में ये सारिपुत्ता के बारे में कहा जा सकता है। तो भिक्षुओं, सही बोलते हुए क्या किसी के बारे में मैं फिर से पढ़ता हूँ, मैं हिंदी है ना दसवीं के बाद नहीं पढ़ा, मैं 20 साल के बाद मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, 20 साल से ज़्यादा 23-24 साल के बाद मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो इतना मैं निपुण नहीं हूँ इसमें। भिक्षुओं, सही बोलते हुए क्या किसी के बारे में कहा जा सकता है वह भगवान बुद्ध का पुत्र है, जो उसके स्तन से पैदा हुआ है, उसके मुंह से पैदा हुआ है, धम से पैदा हुआ है, जो धम द्वारा बनाया गया है, जो एक उत्तराधिकारी है, भौतिक वस्तुओं का वारसी नहीं, धम का वारसी, यह सारिपुत्ता के बारे में कहा जा सकता है। तो ये क्या कहते हैं कि उत्तराधिकारी क्या होता है कि आपके पास कोई धन है तो आप किसी अपने पुत्र को देते हैं, उत्तराधिकारी उसको बोलते हैं, हाँ उत्तराधिकारी। तो अभी ये जो है धम्म का जो है उत्तराधिकारी बोलते हैं कि क्योंकि उनको धम्म का जो है उन्होंने लिया, उनको कोई भी तरह का जो है जो दुनियाई चीज़ है उसके बारे में उनको कोई भी लेना देना नहीं था। भिक्खु, तथागत द्वारा स्थापित धम्म का अति अतुलनीय पहिए सारिपुत्ता द्वारा ठीक से चला रहता है। मीन्स ये अतुलनीय पहिया जो बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, चक्र रहना चाहिए था, वहाँ पे पहिया है, अतुलनीय चक्र है, सारिपुत्ता के द्वारा ठीक से चल रहा है। तो भगवान ने ये कहा, संतुष्ट हो, उन भिक्षुओं ने भगवान के वाक्यों का अनुमोदन किया। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से समझा, और आपको भी समझना चाहिए किस तरह से ये आपका जो हमने सिखा रहे हैं वो किस तरह से आपको फ़ायदा देता है और किस तरह से आपको इसमें आगे आप जा सकते हैं। तो अभी ये हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए फिर से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। साधु साधु।